गाजियाबाद में जाके थोड़ी ट्रेन अपनी खाली हुई है, देखिए। हेलो फ्रेंड्स, जय शंकर महाराज। तो भाई कैसे हो आप सभी लोग, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो भाई आज हम करने वाले हैं ट्रेन जर्नी करने वाले हैं। तो भाई आज हम जाने वाले हैं न्यू दिल्ली। आपने देख लिया होगा मेरा बैग, तो आज हम जा रहे हैं न्यू दिल्ली। तो भाई अभी मैं हूँ यमुनानगर जगह रेलवे स्टेशन में। तो अभी अपनी ट्रेन आने वाली है यहाँ पे, तो अपनी ट्रेन वाले का बजे का जो टाइम है 8:30 बजे का है, तो अभी ट्रेन आ रही है। तो आपको मिलते हैं आपको स्टैंड के अराइवल पे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। तो फ्रेंड्स आज आ गई अपनी ट्रेन लुधियाना का लोकोमोटिव के साथ। तो ये अपनी ट्रेन, तो फ्रेंड जो आज का अपना कोच है D3 है, सीट नंबर है 30। तो आपको दिखाते हैं। तो भाई अपना कोच आके चल गया है। तो फ्रेंड्स ये रही अपनी ट्रेन जिसका नंबर है 14682। और ये ट्रेन अपनी जलंधर से न्यू दिल्ली के बीच चलती है, और ये अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। तो भाई अपना कोच था D3, और चलते हैं अपने कोच में। भैया तो फ्रेंड्स ये रहा अपना कोच V/3 की सीटिंग है। तो अपनी सीट है 30। फ्रेंड्स ये रही अपनी सीट नंबर 30। देखिए अपने ट्रेन का अराइवल सहारनपुर से। Thank you.
तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं साढ़पुर जंक्शन, तो अपनी ट्रेन यहाँ पे ऑन टाइम आई है, तो आपको मिलते हैं फिर डिपार्चर पे। देखिए अपनी ट्रेन का डिपार्चर साढ़पुर से, भाई देखिए अपनी देश की आन बान शान, और ये अपनी प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत को पास देते हुए, देखिए अपनी वंदे भारत आने वाली है। वंदे भारत में भी आपको देखे भाई ट्रेन का कोच तो फ्रेंड्स ये रहा अपना मुजफ्फरनगर जंक्शन, तो अभी अपनी ट्रेन यहाँ पे 5 मिनट डिले आई है, तो यहाँ पे इसका 2 मिनट का स्टॉप था, तो अभी ये निकल चुके हैं यहाँ से। देखिए फ्रेंड्स अराइवल अपना मेरठ सिटी जंक्शन से, तो फ्रेंड्स बाहर जाके स्टेशन कवर करना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि वहाँ स्टेशन गेट पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो फ्रेंड्स अपनी ट्रेन यहाँ पे लगभग 15 मिनट लेट आई है, देखिए अपना अपने उस साइड प्लेटफॉर्म आई है। फ्रेंड्स देखिए अपनी ट्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती हुई मेरठ सिटी जंक्शन से अपनी यात्री चढ़ते हुए, और इस ट्रेन में खचाखच भीड़ होती हुई
आपने चारों तरफ देखी भीड़ मेरठ सिटी जंक्शन से। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारी ट्रेन निकल चुकी है मेरठ सिटी जंक्शन से, तो मिलते हैं आपको सीधा गाजियाबाद जंक्शन पे। देखिए रायगढ़ गाजियाबाद, स्टेशन पे अभी भी बहुत सारे यात्री उतर चुके हैं। देखिए बहुत सारे यात्री ने इस पे ट्रेन स्टेशन से डिबोर्ड किया है। देखिए अपनी ट्रेन का डिपार्चर गाजियाबाद से, और ये सेकंड लास्ट स्टेशन है इस ट्रेन का। फ्रेंड्स गाजियाबाद में जाके थोड़ी ट्रेन अपनी खाली हुई है। देखिए तो गेट पे अभी भी अपने जवान गेट पर भी यात्री पर दिख रहे हैं। Thank you.
तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो चुका है ट्रेन का इंटीरियर दिखाने का, और भी आपको दिखा सकते हैं इंटीरियर। तो इस ट्रेन में अपना 3x3 का आपका सेकंड सीटिंग मिल जाएगा, इधर के साथ में आपको मिल जाएगा चार्जिंग बोर्ड मिल जाएगा, आपको लगेज बैग रखने के लिए ऊपर माल रखने के लिए मिल जाएगा। और ये अपना टेबल मिल जाएगा खाना खाने के लिए, तो आपको यहाँ पे बोतल होल्डर भी मिल जाएगा और फूड रेस्ट करने के लिए अपना मिल जाएगा। तो फ्रेंड अभी चलते हैं बाहर, तो मिलते हैं प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली स्टेशन, अपनी देश की राजधानी। तो ये ट्रेन का आखिरी स्टॉप था, तो अभी ये ट्रेन यहीं से वापसी जाएगी अमृतसर के लिए। देखिए भाई भीड़, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चलते हैं भाई स्टेशन के बाहर, तो करते हैं वहाँ पे ख़त्म अपना ब्लॉग। तो फ्रेंड इसी के साथ खत्म करते हैं आज का ये ब्लॉग। तो आपको कैसा लगा आज का ये ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताएं, अगर इस चैनल पे नहीं हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सलाम नमस्ते एंड जय हिंद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।